सैंपल ऑफ द प्रोजेक्ट फाइल। आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं कि छात्रों ने कितने शानदार तरीके से इकोनॉमिक्स विषय पे प्रोजेक्ट बनाए हैं और उनके जो फाइल कवर हैं वो वेल डेकोरेटेड हैं। तो आप भी इसी प्रकार अपनी फाइल को आकर्षक और सुंदर बना सकते हैं। प्रोजेक्ट कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस वीडियो में केवल प्रोजेक्ट के अंतर्गत फाइल का निर्माण कैसे किया जाता है उसको यहाँ पर हम आज सीखेंगे। प्रोजेक्ट फाइल का जो हमारा प्रथम पेज होगा उसमें हम प्रोजेक्ट कार्य लिखेंगे, फिर जिस विषय का प्रोजेक्ट है उसके बारे में लिखेंगे, फिर उप विषय लिखेंगे कि आपने उस विषय के अंतर्गत कौन सा विषय चयन किया है, और एक संभव हो तो चित्र भी बीचों बीच लगा सकेंगे। और उसके बाद हम अपना नाम, कक्षा का नाम, रोल नंबर, सत्र जरूर लिखेंगे क्योंकि ये कौन से सत्र में आप सबमिट कर रहे हैं प्रोजेक्ट, और अपने विद्यालय का नाम, और राइट साइड में जिस टीचर को आप ये प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं उस टीचर का नाम भी यहाँ पर लिखेंगे। अगले पेज में आप प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना किसी भी प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि इसमें आपने जिस विषय का चयन किया है उस विषय के बारे में संक्षिप्त परिचय उसका लिखेंगे। जिस प्रकार एक फिल्म के बारे में हमें सारी जानकारी उसके ट्रेलर देखने से प्राप्त हो जाती है, इसी प्रकार आपके प्रस्तावना के आधार पर ही हमें पूरे प्रोजेक्ट के बारे में पता चल जाएगा कि आपने किस विषय में प्रोजेक्ट बनाया है और किस प्रकार आपने उससे संबंधित जानकारी प्राप्त की है। इसके बाद आभार आएगा जिसमें इस प्रोजेक्ट या परियोजना कार्य में आपने जिन लोगों से जानकारी प्राप्त करी है उनका यहाँ पर आप आभार व्यक्त करेंगे। जैसे आपने जानकारी अपने शिक्षकों से, अपने परिवार से या अपने सहपाठियों से प्राप्त करिए तो यहाँ पर आप उनका आभार व्यक्त कर सकते हैं। अब आता है प्रोजेक्ट का टाइटल। तो हमने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लिया है वो है GST, वस्तु एवं सेवा कर, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार। तो इससे संबंधित आप लेफ्ट साइड में कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं जो आपसे, जो आपका टाइटल से मेल खाता हो। इसके बाद हम प्रोजेक्ट की विषय सूची यहाँ पे बनाएंगे। वैसे यह जो विषय सूची है ये सबसे लास्ट में बनाया जाता है जब हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो प्रोजेक्ट में आपने जितने पेजेस लगाए हैं उनको यहाँ पे बाद में पृष्ठ संख्या के आगे लिखा जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि परिचय, कर क्या है, कर के प्रकार, GST क्या है, इस प्रकार निष्कर्ष, इस प्रकार आप सारे टॉपिक यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद पृष्ठ संख्या उसके सामने आप लिख देंगे। लेकिन ये जो विषय सूची बनेगी जिसको इंडेक्स बोलते हैं ये लास्ट में बनेगी। अब आपने जो प्रोजेक्ट का टाइटल लिया है उसके बारे में हम यहाँ थोड़ा डिटेल में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि कर क्या है, तो यहाँ पे कर से संबंधित कुछ परिभाषा हम यहाँ पे दे देंगे, और उसके लेफ्ट साइड में कर क्या है उससे संबंधित कुछ इमेज या फोटो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि GST क्यों, GST आखिर हमने क्यों अपनाया नई कर प्रणाली को, तो इसका जो नारा था एक देश और एक कर, इसका मतलब है कि जो अनावश्यक हमारे अप्रत्यक्ष कर थे उन्हें हटाकर हम एक कर करना चाहते थे देश में ताकि एक रूपता बनी रहे। करों के प्रकार यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया है, यहाँ पे कि करों का विवरण हमने यहाँ पे बताया कि कितने प्रकार के कर होते हैं यहाँ पर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, और फिर उनकी पूरी डिटेल हमने यहाँ पे बताई है कि कर कितने प्रकार के होते हैं। अब हम यहाँ पर GST क्या है उसकी परिभाषा देंगे कि GST किस प्रकार का कर है और इससे हमें क्या लाभ हुआ है इसके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे, और उससे संबंधित एक चित्र भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। GST को वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है और इसको 1 जुलाई 2017 को
संसद के द्वारा देश में लागू किया गया था। तो यहाँ पर उससे संबंधित हम यहाँ पे चित्र भी लगा सकते हैं कि संसद में नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले इस बिल को पेश किया था और उस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने बहस करी थी और उसके बाद इसको लागू किया गया था। जीएसटी के प्रकार, तो चार प्रकार की जीएसटी होती है, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी। यहाँ पर हमने जीएसटी की टैक्स सीमा के बारे में वर्णन किया है कि भारत में पांच प्रकार की जीएसटी की दर लगाई जाती है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। भारत में जीएसटी की टैक्स सीमा क्या है, तो जैसे हमने आपको बताया था, तो यहाँ पर 0% के बारे में मैंने बताया कि जो हमारे अनिवार्य वस्तुएं होती हैं उन पे जीएसटी नहीं लगाई जाती, बल्कि जीएसटी 5% जिन वस्तुओं पे लगाई जाती, आप उससे संबंधित जानकारी यहाँ पे लिख सकते हो और उसके लेफ्ट साइड में उनकी इमेज फ़ोटो भी लगा सकते हो। ऐसी 12%, 18% और 28% के बारे में भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे चित्र में यहाँ पे मैंने लगा रखा है कि 28% हमारी कारों पे टैक्स पड़ता है, या प्रोजेक्टर, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ आइटम होते हैं बहुत महंगे, उन पे लगता है। उसके बाद इस पेज में हमने जीएसटी की विशेषताओं का वर्णन किया है कि जीएसटी आखिर क्यों महत्वपूर्ण है, उसके बारे में विस्तृत यहाँ पे जानकारी हम दे सकते हैं। इस पेज में हमने जीएसटी के लाभ का वर्णन किया है कि जीएसटी के कारण हमें क्या क्या लाभ हुआ है, जैसे देश में व्यापार करना आसान हो गया, कर चोरी संभव नहीं है, अब राजस्व में वृद्धि हो रही है, जीडीपी में भी वृद्धि हो रही है। इस प्रकार का जो भी लाभ हो टॉपिक का, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और साथ में इसके बारे में आपने कहाँ से जानकारी प्राप्त करी, इसका लिंक या वेबसाइट की जानकारी भी आप पेज पर नीचे के रूप में उसको लिख सकते हो। इस पेज में हमने पुरानी कर प्रणाली और जीएसटी का तुलनात्मक अध्ययन किया है और एक उदाहरण से हमने यह बताने का यहाँ पे प्रयास किया कि कौन सी कर प्रणाली बेहतर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उदाहरण से कि जीएसटी पुरानी कर प्रणाली से बेहतर है, क्योंकि इसमें पहले जो अनावश्यक कर होते थे उसकी तुलना में पहले से कम कर इसमें लगाए जाते हैं, तो इसमें उपभोक्ताओं को करों से थोड़ी राहत मिलती है। निष्कर्ष हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या सीखा उसके बारे में आपको अंत में यहाँ पे लिखना होता है। जैसे हमने टॉपिक लिया था जीएसटी, तो जीएसटी से जो पुरानी कर प्रणाली थी उसके जो दुष्परिणाम थे वो कैसे हमने जीएसटी के माध्यम से दूर करे, जीएसटी से हमें क्या लाभ है, क्या नुकसान है, उपभोक्ताओं को इससे कोई फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं, और सरकार के राजस्व में वृद्धि हो रही है कि नहीं, और साथ में जीएसटी आने से व्यापार हमारा सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं, इस सारे के बारे में हम यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। और निष्कर्ष में आप अपने विचार लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट आप लिखें वो संक्षिप्त में हो और सटीक हो। इसके बाद प्रोजेक्ट के अंत में आता है संदर्भ ग्रंथ सूची। इसमें आपने प्रोजेक्ट बनाते समय कहाँ कहाँ से जानकारी ली उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखना होता है। जैसे पाठ्य पुस्तक आपने एनसीईआरटी की किताबों से जानकारी ली या किसी अन्य पुस्तकों से ली, पत्र पत्रिकाओं से, उसके बारे में आप लिख सकते हो। ऑनलाइन संसाधन, जैसे आपने इंटरनेट के माध्यम से जानकारी ली, कौन कौन सी वेबसाइट से जानकारी ली, उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, वेबसाइट के नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। समाचार पत्र और पत्रिकाओं से आपने जानकारी ली, यहाँ पे आप समाचार पत्रों की कटिंग्स भी लगा सकते हो और पत्रिकाओं की कटिंग भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। इसके साथ विद्यालय में स्थापित पुस्तकालयों से भी आपने मदद ली, कुछ अलग एडिशनल किताबें आपने पढ़ी उसकी जानकारी भी आप यहाँ दे सकते हो, उस पुस्तक का नाम और उस लेखक का नाम भी आप यहाँ पे दे सकते हो। इसके बाद भाषण,
परिस्थितियाँ और सम्मेलन अगर आपने कहीं अटेंड किया है इन चीज़ों को और वहाँ से कुछ आपको सीखने को मिला, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे जानकारी दे सकते हो कि आप उस सेमिनार में गए थे, वहाँ से आपने ये जानकारी प्राप्त करी। और अन्य स्रोतों से भी आप यहाँ पर उसका उल्लेख कर सकते हो कि आपने किसी शिक्षक के से जानकारी प्राप्त करी या किसी एक्सपर्ट से जानकारी प्राप्त करी, उसके बारे में भी आप यहाँ पर डिटेल दे सकते हो। अंत में मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको प्रोजेक्ट तथा प्रोजेक्ट फाइल का निर्माण कैसे किया जाता है उसके बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी दी। आप अपनी कल्पना शक्ति तथा बेहतर सोच से बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हो। आपको प्रोजेक्ट फाइल बनाने में बहुत ज़्यादा उसको डेकोरेटेड या सजाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो विषय वस्तु है, कंटेंट लेवल है, उसको इनोवेटिव तरीके से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा। धन्यवाद।